लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चल रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम का वीडियो नंबर 5। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन होगा हमारा ये, असाइनमेंट एल्गोरिथम पे या हाइगेनियन असाइनमेंट मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक टेबल बना हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ देते हैं। क्या है, ए डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में हेड, डिपार्टमेंट हेड हैज़ 4 सबॉर्डिनेट, यानी किसी डिपार्टमेंट का हेड है उसके 4 सबॉर्डिनेट हैं। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है उसके नीचे काम करने वाले वर्कर, जैसे कि PCS अधिकारी है अपर लेवल का, तो उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट होते हैं उसको कहा था लोअर सबॉर्डिनेट। लोअर सबॉर्डिनेट यानी कि उसके अंडर में काम करने वाला जो होते हैं उसको सबॉर्डिनेट्स कहा जाता है। कोई हेड है, हेड के अंदर 4 सबॉर्डिनेट हैं उसके, यानी कि 4 लोग वो उसके काम करने वाले हैं उसके अंडर में। ठीक है, एंड 4 टास्क हैव टू द परफॉर्म, यानी 4 टास्क हैं, ABCD 4 टास्क दिए हैं, उनके चारों के अलग अलग परफॉर्मेंस इतने दे रखे हैं। ठीक है, तो सबॉर्डिनेट डिफर इन द एफिशिएंसी एंड टास्क डिफर इन द इंटरेक्टिव डिफिकल्टीज। ठीक है, द टाइम ईच मैन वर्ल्ड टेक द परफॉर्म एंड ईच टास्क इज द इफेक्टिविटी मैट्रिक्स बिलो, इन नीचे जो मैट्रिक्स बनी हुई है ईच सबॉर्डिनेट है एंड ईच टास्क के अकॉर्डिंग, प्रत्येक मतलब अलग अलग सबॉर्डिनेट है, उन्हें ए टास्क में इतना परफॉर्म किया, इसमें इतना, इसमें इतना, तो अलग 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 सबका दिया है। यानी कि सबॉर्डिनेट नंबर 2 टास्क ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना और डी में इतना। टास्क सबॉर्डिनेट नंबर 3 ने ए में इतना परफॉर्म किया, बी में इतना, सी में इतना और डी में इतना, तो अलग अलग इस तरह से परफॉर्मेंस दे रखी है। हाउ शुड द टास्क ऑफ एलोकेट 1 टू मैन एंड सो द मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स, यानी कि टोटल मैन से उन्हें कितनी आवर्स लगे, या कुछ नहीं पूछा, हाउ शुड द टास्क बी एलोकेट, यानी कि टास्क को किस तरह से एलोकेट किया जा सकता है 1 टू ए मैन एज सो टू मिनिमाइज द टोटल मैन आवर्स। आप सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन होगा जैसे कि टेबल लिया, स्टेप नंबर 1 इसमें किया जाएगा। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पोंडिंग रो, एवरी एलिमेंट्स ऑफ करस्पोंडिंग रो। अब देखिएगा, ये रो है, एक रो ये, एक रो ये, एक रो ये, तो इसमें जो मिनिमम एलिमेंट 8 है, तो 8 को सब में से सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, 8 में से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। फिर से टेबल क्या बनेगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड सबॉर्डिनेट, ये थर्ड सबॉर्डिनेट एंड फोर्थ के लिए। ठीक है, तो इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट 8 था, सब्ट्रैक्ट किया 26 में 8 को सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो 18 बनेगा, और यहाँ पे बनेगा 9, और ये 11 में से हट गए 3, इसमें सबसे छोटा 9 वो 4 है, 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो ये 9 बचेगा, इसमें से 28 में से 4 घटाएंगे 24, ये 0, एंड 26 में से 4 घटाएंगे तो 22, ऐसे ये 23, ये 4, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 15 है, 15 को इनमें सबसे घटाएंगे, 19 में से 15 घटाए 4, ये 3 और ये 0, इसमें सबसे छोटा 10 है तो ये 9 बनेगा, और ये 16 और ये 14 और ये 0। ठीक है, तो इस तरह से एलिमेंट बनेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट द ईच कॉलम। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जो ईच कॉलम है, ईच प्रत्येक कॉलम में जो सबसे छोटा एलिमेंट्स है उसको सब्ट्रैक्टिंग करना है। ठीक है, नाउ इसके बाद नाउ सब्ट्रैक्टिंग द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पोंडिंग कॉलम्स, एवरी एलिमेंट ऑफ करस्पोंडिंग, यानी कि प्रत्येक कॉलम में जो सबसे छोटा वो घटाया जाएगा करस्पोंडिंग कॉलम। अब बात आती है कि ये जो अगली मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बननी चाहिए, यानी ये कॉलम है इसमें सबसे छोटा क्या है, 0 है,
ठीक है, तो जीरो से तो जीरो घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली वाली फोर है तो ये वाली हटा दे रहे हैं क्योंकि ये घट चुकी है। अब ये हो रहा है, ये वाली रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, यहाँ सबसे छोटा चार है, चार को अगर हटाते हैं, 18 में चार गया तो 14, ये जो टेबल हम बना रहे हैं इसको अलग भी आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0, और 16 में चार घटाए 12, यहाँ पर 0 है सबसे छोटा, 0 हटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, और ये भी 0 0 है। ठीक है, 0 को किसी एलिमेंट से घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो ये आ गई है मैट्रिक्स बनके, स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले रो को सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, ईच रो से सबसे छोटा एलिमेंट सब्ट्रैक्टिंग किया जाता है, और फिर उसके बाद ईच ऑफ कॉलम से, ये मतलब मेन टेबल है। तो मेन टेबल को बनाए रखें क्योंकि ये क्वेश्चन है, लास्ट में देखेंगे इससे क्या होता है। अब बात आती है स्टेप नंबर टू से, यहाँ हम स्टेप नंबर टू करने वाले हैं। स्टार्टिंग द रो वन, दिस रिड्यूस मैट्रिक्स एग्जामाइन द रो एंड अल्टीन द रो 1 0 एलिमेंट इज फाउंड, जिसमें 1 0 एलिमेंट पाया जा रहा है। जैसे ये है, इसमें 1 0 एलिमेंट है, इस रो में एक ही 0 है ना, तो उसको क्या करेंगे हम बॉक्स में ले लेते हैं, यानी कि असाइनमेंट एलोकेट किया जाता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड, और ये फोर्थ, ये 14, ये 9, ये 3 एंड 9, 20, 0, 0, 22, 23, 0, 3 एंड 0, 9, 12, 14 एंड 0, ये हमने बॉक्स में लिया। अदर होता तो उसको क्रॉस करना पड़ता। ठीक है, अदर उसमें है नहीं। अब दूसरी रो में चलते हैं, दूसरी रो में। ठीक है, बी मार्क बॉक्स एट दिस 0 एंड मेक द असाइनमेंट टू मेक ए क्रॉस ऑल अदर 0, अगर ऑल 0 होते तो उसको क्रॉस किया जाता है। ठीक है, एंड लाइंग इन द कॉलम असाइनमेंट 0। ठीक है, अब बात आती है कि ये इसमें, अब दूसरे वाले में चलेंगे। ठीक है, तो इस रो में ये हो चुका है, और कोई जीरो उसमें है नहीं जो कि क्रॉस नहीं करना पड़ा। अब दूसरी रो में अगर आते हैं तो दूसरी रो में जो है ये जीरो है, इसको हम बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अदर कोई जीरो होता तो उसको क्या किया जाता, क्रॉस किया जाता। ऐसे ही रो नंबर थर्ड में आते हैं। ठीक है, रो नंबर थर्ड में, और इस जीरो को क्रॉस किया जाएगा। इसी तरह से इसमें एक ही जीरो है अगली वाली में, तो ये आएगा रो नंबर फोर्थ। ठीक है, R1, R2, R3 एंड R4, कॉलम में कोई और जीरो बचा नहीं है ताकि उसको करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ रही है, ताकि क्रॉस में हो चुका है तो कॉलम में कुछ और इसमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी बन चुकी है, तो ये बन गया है, ये आ चुकी है, फॉलोइंग मैट्रिक्स आ चुकी है, ये हमारी आ गई है असाइनमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, एंड असाइनमेंट रो एंड कॉलम हैव द मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें क्रॉस आउट हो चुका है। अब उसके बाद क्या लेना है, जहाँ जहाँ पे जीरो बने हैं, ठीक है, उस जगह पे क्या एलिमेंट था। ठीक है, जो आंसर लास्ट में देना है, ठीक है, यहाँ पे हमारा जीरो है। ठीक है, तो जीरो जगह क्या था, 8 था, यहाँ पे 0 4 था, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 10 था। तो हमको देना है, एन ऑप्शनल सोल्यूशन हैज़ बिन ऑप्टेन, द ऑप्टीमल सोल्यूशन इज, ठीक है, ये जो टेबल बनी है इसको हम लिख सकते हैं एट दिस स्टेज, यानी कि ये जो स्टेज आ चुकी है या जो टेबल बन चुकी है, एट दिस स्टेज बी सी दैट ऑल द जीरो ऑल जीरोस हैव बीन आइदर असाइन और क्रॉस्ड आउट और क्रॉस्ड आउट एंड एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैज एन असाइंड असाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट था वो 8 था, तो टोटल हम इसको लिख सकते हैं मिनिमम टोटल मैनर्स
और 8 + 4 + 19 + 10 इक्वल टू आ जाएगा 41। तो ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर।